रेडी है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरबीसी ऑफिशियल ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्यार निरंतर मिल रहा है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ बरौनी, और बरौनी का ये रेलवे का जो मंदिर है मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। मंदिर तो हर किसी का होता है, बट रेलवे के द्वारा यहाँ पर इस मंदिर की रखवाली की जाती है। और ये माँ दुर्गा का जो मंदिर है और जो माँ दुर्गा का जो मूर्ति है उसको कैमरा में फोकस कीजिएगा, माँ दुर्गा के इधर थोड़ा। माँ दुर्गा का ये बहुत ही प्यारा मंदिर है और थोड़ा नज़दीक से क्लोज करके लीजिए उस माता रानी की मूर्ति का फोटो। आगे आइएगा कैमरा में। यहाँ पर है बजरंग बली और हनुमान जी का है, दुर्गा जी के सामने हनुमान जी का मंदिर है। जो यहाँ के रेलवे स्टेशन का जो मेन है मैं आपको उससे अवगत करा रहा हूँ। जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद आपको जो नज़र आएगा बताइए। यहाँ पर है हमारे भोलेनाथ हरहर महादेव जैसे कबूल का क्लोज करके दीजिए। काफ़ी अच्छा मंदिर है और इसमें जो मूर्तियाँ बैठाई गई हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारे नंदी महाराज, और इनको कोई भी बात आप दिल का बताना हो तो आप सीधे नंदी जी को बताइए, सीधे कॉन्टेक्ट आपका भोलेनाथ से कर देंगे। इधर आइएगा आप, यहाँ पे भी मूर्ति है, यहाँ पे भी भगवान है, इनका भी थोड़ा क्लोज करके फोटो लीजिए। और ये हो गया, ये आते मंदिर है। आप लोग बरौनी आते हैं तो स्टेशन के जस्ट बगल में कैमरा आइएगा। और बहुत अच्छा इस मंदिर का जो देखभाल है जो आरती के द्वारा बहुत अच्छा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जन्माष्टमी का मेला लगा था, उसमें और भी एक श्री कृष्ण की मूर्ति भी यहाँ पर लगी गई थी जो कि काफ़ी ही कमाल का था, काफ़ी ही बढ़िया था। और आइए मेरे साथ है मेरे बहुत प्रिय बड़े भैया, कहिए मैं अपने हिसाब से कहता हूँ लेकिन कोर्स के लिहाजे से ये मेरे मेजर हैं, मेरे से काफ़ी सीनियर हैं लेकिन अपने छोटे भाई की तरफ पसंद करते हैं मानते हैं। मुख्य द्वार सुनता हुआ है रेलवे सुरक्षा पर, और इसके अंदर में ये मंदिर है और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग कभी भी बरौनी आइए तो इस मंदिर का दर्शन कीजिए। और यहाँ पे हमारे साथ बिहार पुलिस के सर भी हैं, बताइए सर। तो ये बिहार पुलिस के सर हैं, मेरा सर एक आरबी सी ऑफिशियल ब्लॉग चैनल है आरबीसी ऑफिशियल, उसके मैं अपना ये वीडियो डालूंगा सर। मंदिर का जो खूबसूरती है इसको हमने दिखाया है, कैसा लगता है सर आपकी ये मेला में तो सर रखे हम लोग देखे थे, आइए क्लोज कीजिएगा सर। बता रहे हैं बहुत अच्छा है और इसी को मंदिर को दिखाया है हमने। ये लोग रात दिन जगते हैं और काफ़ी ईमानदारी से और मेहनत से यहाँ पर तत्पर रह के ड्यूटी देते हैं, जिसके दौरान यहाँ की जो जनता है वो चैन से नींद और एक खुशनुमा अपना समय निकालती है। तो मैं इन लोगों का बहुत तरह से सीट नहीं मिलो क्या? बहुत दिमाग लगे बहुत ही टेस्टी चीज खिलाते हैं, थोड़ा क्लोज करके दिखाइए सर का। सर का आप दिखाइए सर का। और यहाँ पर मुझे खूबसूरत सी गाड़ी भी दिखी है, जो अच्छा लगा। इस बाइक का लुक भी बहुत अच्छा है और मैं इनसे जिनकी बाइक है उनसे पूछ के इस पर चढ़ा हूँ। कैसा लगता है सर इसकी चलाने? आइए ना, नहीं चलाएंगे ठीक है। तो थोड़ा सा और तुरंत कीजिए ताकि जो लोग रॉयल इनफील्ड लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक वीडियो के तरह उसके तहत कुछ होगा। सर क्या मैं देखें इसका सर 25 हो गया है, 25 पुरानी हो गई है बट फिर भी 25 की माइलेज दे रही है। जो लोग कहते हैं कि माइलेज कम देती है तो इस पर एक लुक भी दिखता है जो कि आप लोग को मेरा दिख रहा होगा, या फिर जिनकी गाड़ी है वो भी चलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो लुक के लिहाज से बहुत खर्चा करते हैं, जो लोग खर्चा करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और 25-30 की माइलेज दे रही है तो कोई ख़राब नहीं दे रही है, कोई भी गाड़ी लीजिएगा तो 50 से ज़्यादा की देगी नहीं, लेकिन जो इसको बैठने के बाद एक आदमी को जो प्राउड फील होता है थोड़ा सा इधर से लीजिएगा ताकि ये रॉयल इनफील्ड का ये दिखे, तो ले सकते हैं। रॉयल इनफील्ड काफ़ी अच्छी गाड़ी है और लुक काफ़ी अच्छा है। थैंक यू। चलिए पहुँच चुके हैं अभी कैमरा में, थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा।
अभी कुछ दिन पहले यहाँ मेला लगा था, काफ़ी यहाँ का माहौल जो था वो रंगीन था। और 10 साल हो गए। हाँ यहाँ से बोलिएगा, बरौनी भी ताना चाहिए। हाँ ये ठीक, हाँ इधर घूम के, इधर घूम। हाँ 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 ये सही। मुझे बरौनी स्टेशन बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आइएगा, यहाँ SBI का ATM है, IDBI का ATM है, इधर दिखाइएगा। और इसी के जस्ट मेरे दाएं मेरे बाएं है आज के मंदिर है, इसके बाद वहाँ पर यात्री जो विश्रामालय है और वहीं पर पूछताछ काउंटर है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्रौनी का ब्लॉग, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग ऑलरेडी मेरे वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ मैं भेजो साहब। हाँ और कैमरामैन सुरेंद्र के साथ मैं आरजी सिंह, आप लोगों को फिर से नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में मिलते रहेंगे। कैमरामैन फोकस।